Hello kids, welcome to the social studies class. This is your mentor Aprajita with your class 4th social studies book Jelly Bean Journeys in Social Studies by Brain Root series. So all ready to start a new chapter with me? So aaj hum karenge chapter number 3, that is the plateau and desert region. So we start with the chapter Sum and Substance. हम क्या क्या पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में? पेनिनसुला प्लेट्यू, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ प्लेट्यू, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द डेक्कन प्लेट्यू रिवर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, लाइफ इन द पेनिनसुला प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, life in the desert. These are the points we are going to cover in this chapter, children. So all set, here we start. Now see, here are few pictures given. Look at the given pictures and discuss what they tell us about deserts. अब देखिए desert के pictures हैं यहाँ. आपको ये pictures देख के क्या समझ में आ रहा है? What are these pictures telling you? The main thing these pictures tell us that in the desert there is sand all over. आपको water कहीं कहीं मिलता है, very less water is available, but there is sand all over in the desert. So let's start this chapter and read about the plateau, the deserts. So we start with plateau. A plateau or a table land can be defined as a raised area having steep slopes and a flat top. देखिए plateau में क्या क्या होता है? एक table land होता है जिसे कि कैसे define किया जा सकता है? एक raised area. Raised area means उठा हुआ area जिसके slopes steep होते हैं and a flat top. Top जो होता है वो flat होता है. A plateau has a rocky terrain. Peninsula plateau. India has a very big plateau to the south of the northern plains. India में एक बहुत बड़ा plateau है. India has a very big plateau. कहाँ? To the south of the northern plains. Northern plains के south में. और उसका नाम क्या है? Called the plateau of peninsular India or the southern plateau. उसको plateau of peninsular India भी कहते हैं और southern plateau भी कहा जाता है. Location and extent. Towards the south of the northern plains lies the peninsula plateau or the southern plateau. It is triangular in shape. Dekhiye iska shape kaisa hai? Triangular. Fine. On four sides it is surrounded by the Aravali hills, Rajmahal hills, the eastern ghats and the western ghats. और चारों तरफ से, चार तरफ से ये किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है? अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू आर नॉट पेरिनियल लाइक दोज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं और जो पेनिनसुला प्लेट्यू के रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं हैं. द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पेरिनियल एंड स्नोफेड. नॉर्दर्न प्लेन्स के रिवर कैसे हैं? पेरिनियल भी हैं और स्नोफेड भी हैं. दे फ्लो स्लोली डाउन द प्लेन्स. ऑन द अदर हैंड द रिवर्स इन द पेनिनसुला प्लेट्यू आर नॉन पेरिनियल एंड दे आर मोस्टली फेड बाय रेन्स. पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? जिनमें कि हमेशा ही वाटर अवेलेबल होता है, पानी रहता है. लेकिन जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो रेन्स पे डिपेंड करते हैं. They flow much faster. और जो ये non-perennial rivers होते हैं वो ज़्यादा तेज़ बहते हैं. The seasonal and fast flowing nature of these river gives rise to a number of waterfalls. जिस कारण बहुत सारे waterfalls भी होते हैं. The peninsula plateau covers the states of. अब कौन कौन से state को cover करता है ये peninsula plateau? It covers the states of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला. फाइन.
द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स. अब जो नर्मदा रिवर है वो इस प्लेट्यू को कितने भागों में डिवाइड करती है? इन टू पार्ट्स. कौन कौन से? द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सदर्न पार्ट इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू. फाइन. द सेंट्रल हाईलैंड्स, अब हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जो कि नॉर्दर्न पार्ट है. द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज, द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड्स में ही मालवा प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में है और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो ईस्ट में है. इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? वो है ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड कवर्स लार्ज पार्ट्स ऑफ. अब कौन कौन से पार्ट्स कवर करता है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू? इट कवर्स लार्ज पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स. अब इसमें यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? Coal, iron, manganese and mica. The rivers of Chambal, अब देखिए rivers कौन कौन से बहते हैं यहाँ. Rivers of Chambal, then Betwa and Son originates in the Central Highlands. Central Highlands में कौन कौन से rivers originate करते हैं? Chambal, Betwa and Son. They flow northwards to join the Ganga and Yamuna rivers. और ये सब north की तरफ बहती हैं. फिर कहाँ join करती है? किसको join करती है? Ganga and Yamuna rivers को. The Narmada and Tapti river originates from the Vindhyas. अब ये Narmada और Tapti जो हैं ये कहाँ से originate करती हैं? Vindhyas से and flow westwards into the Arabian Sea. और ये कहाँ flow करती हैं? किस side पे? Westwards flow करती हैं और जाके कहाँ मिलती हैं? Arabian Sea में. Now, AI facts. A new machine learning model which is based on artificial intelligence can predict the locations of minerals on the earth. Earth pe kahan kahan minerals hai, kis kis location pe minerals hai, wo AI ke through ek new machine learning model se pata lagaya ja sakta hai. Now, interpretation. The fine black soil in the Malwa Plateau region is suitable for the growth of cotton, wheat and oil seeds. Malwa Plateau region mein jo fine black soil hai wo suitable hai kis kis cheez ki grow karne ke liye? Cotton, wheat and oil seeds. The Chota Nagpur Plateau is also known as the storehouse of minerals. Storehouse of minerals kisko kaha jata hai? Chota Nagpur Plateau ko. Some of the coal mining centers are Jharia, Bokaro and Rani Ganj. Fine children, now let's read about the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is the largest plateau in India. India ka largest plateau kaun sa hai? Deccan Plateau. It is the major part of the Southern Plateau. Southern Plateau ka ye major part hai Deccan Plateau. It lies across the Satpura Mountains. It is towards the south of नर्मदा. इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. किससे बाउंडेड है ये? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स से. दीज घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स. और ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं ये कहाँ मिलती हैं? जाके नीलगिरी हिल्स पे. द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड, अब वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी जगह आती हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स. द ईस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर एंड आर कट बाय द रिवर्स. ये जो ईस्टर्न घाट्स होती हैं कंपैरेटिवली ये लोअर होती है, वेस्टर्न घाट से नीची होती हैं और ये रिवर्स से कट होती हैं, कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. दीज रिवर्स कट वैलीज थ्रू ईस्टर्न घाट्स टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू. अब डेक्कन प्लेट्यू में जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर है वो है गोदावरी. ओके चिल्ड्रन, now we'll read about the rivers. A number of rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri originate in this area. Okay, Deccan Plateau. The Godavari is regarded as Dakshin Ganga. Godavari ko kya bolte hain? Dakshin Ganga.
इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड होली रिवर माना जाता है इन इंडिया. गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल. Do you know the reason why rivers flow from west to east? अब एक cause है, एक reason है कि क्यों ये rivers west से east की तरफ flow करती हैं. The reason is that the Deccan Plateau slopes from west to east. जो Deccan Plateau का जो slope है वो है west से east की तरफ, इसलिए ये west से rivers flow करती है east की side. These rivers are rain-fed. ये rivers सब rain-fed होती हैं. So they cause floods during the rainy season, but often dry up during summer. The land in the Deccan Plateau is uneven. Deccan Plateau का जो land है वो uneven है, and therefore the rivers form a number of waterfalls. इसलिए waterfalls होते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये जो rivers का जो जो डेक्कन प्लेटू है वो बहुत अनइवन है, तो कभी ऊपर जाता है नीचे आता है. तो आपने देखा होगा वाटरफॉल्स, हाउ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट. सो इस अनइवन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं. द जोग फॉल्स ऑन द रिवर शरावती इन कर्नाटका इज वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. ये देखिए, लुक हाउ द वाटर इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम दिस हाइट. This is the Jog Fall, which is the highest waterfall of India. Dams have been built across many rivers. This is the stored water which is used for irrigation and producing electricity. In the previous chapter also we have read ki dams kya hote hain. Dams mein kya kiya jata hai, water ko rok diya jata hai and wahan pe electricity generate ki jati hai aur usko irrigation ke liye bhi use kiya jata hai. The Deccan Plateau has rich deposits of minerals. Deccan Plateau में जो minerals पाए जाते हैं वो कौन से हैं? Iron, gold and mica. The Kolar gold mines and the Hutti gold mines in Karnataka are the two famous gold mines in India. Now comes the climate and vegetation. The Malwa Plateau region experiences a pleasant climate because of its elevation. जो मालवा प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि उसका जो एलिवेशन है, जो थोड़ा सा उठा हुआ है, वो दैट इज द रीजन फॉर द क्लाइमेट बीइंग प्लेजेंट देयर. इन अदर पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू द समर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स आर कोल्ड. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग हियर. यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग. अपार्ट फ्रॉम कॉटन एंड ऑयल सीड्स ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल फार्मर्स ऑल्सो कल्टिवेट अदर क्रॉप्स. वहाँ पे जो कॉटन और ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में, इसके अलावा भी और भी क्रॉप्स का कल्टिवेशन होता है, जैसे कि राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट एंड शुगर केन. द सॉइल इन दिस प्लेट्यू रीजन इज ब्लैक एंड रेड इन कलर. यहाँ का जो सॉइल है वो ब्लैक और रेड कलर का होता है. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड फ्रॉम द थिक फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस. नाउ लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द टेबल बिलो प्रोवाइड्स की इनसाइट्स इनटू द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल रेजाइडिंग इन वेरियस स्टेट्स सिचुएटेड इन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया. जो अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि प्लेट्यू रीजन में आते हैं, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है वो अभी हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे. इट हाईलाइट्स सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डेली लाइफ, कल्चर एंड एनवायरमेंट. नाउ हियर्स चिल्ड्रन, दिस इज द टेबल. नेम ऑफ द स्टेट्स आर गिवन. मेन सिटीज कौन कौन सी हैं उस स्टेट में वो पढ़ेंगे. देन वो क्या क्या ग्रो करते हैं, दैट विल रीड. वॉट दे मेक एंड How, which festivals do they celebrate? So starting with Maharashtra, the main cities are Mumbai, Pune and Nagpur. Then what they grow? They grow cotton, sugarcane, groundnut, mangoes and oranges. They make films, textiles, electronics and they celebrate Ganesh Chaturthi, Eid, Diwali and Christmas. Next is Andhra Pradesh.
Hyderabad and Vishakhapatnam are the main cities. Then they grow rice, tobacco, sugarcane, groundnut. They make bidri work, computers and automobiles. They celebrate Makar Sankranti, Ugadi, Dashera and Eid. Next is Jharkhand. Ranchi, Jamshedpur, Bokaro. These are the main cities. Then rice, maize, pulses are grown here. They make steel, mining and power. And they celebrate Holi, Dashera, Diwali and Christmas. Now let's read about the desert. What is a desert? Kya hota hai desert? And kaise hote hain? A desert is a flat area covered with sand. Flat area hota hai jo sand se dhaka hua hota hai. It has very little vegetation. This region receives very less rainfall. This region receives very less rainfall. Aur yahan barish bhi bahut kam hoti hai. It is one of the important features of the desert. Desert ka ye sabse important feature hai ki charo taraf sand se dhaka hota hai aur bahut kam barish hoti hai yahan. The Great Indian Desert. The Thar Desert or the Great Indian Desert is a large arid region lying in the northwest part of the Indian subcontinent. Indian subcontinent ke northwest part mein jo Thar Desert hai ya usko Great Indian Desert bhi kaha jata hai wo hai. It is characterized by sand dunes, uncultivable soil and minimal vegetation. Yahan sand dunes hai, uncultivable soil hai jahan pe cultivation nahi ho sakta jis soil pe aur bahut kam vegetation dekhne ko milti hai. Camel is the main animal here. This physical feature spreads across India and Pakistan and forms a natural boundary between the two countries. Most part of the desert lies in the state of Rajasthan. It also extends to Gujarat in the south and Haryana and Punjab in the north. This we are talking about the Great Indian Desert or Thar Desert. It has the Aravali Mountains to the east. East mein iske Aravali Mountains hain. The Thar Desert is covered with sheets of sands which form sand dunes at places. Thar Desert jo hai wo sand ki sheet se dhaka hua hai. Due to little vegetation to hold the sandy soil together, strong winds in this region can shift large amounts of sand. और यहाँ vegetation बहुत कम है इसलिए वो sandy soil को hold नहीं कर पाते हैं जिस कारण जब strong winds चलती हैं तो वो बहुत सारा sand एक जगह से दूसरी जगह पर shift हो जाता है. Such events are called dust storms. जब dust storm चलता है तो बहुत सारा sand जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाके इकट्ठा हो जाता है. They lead to shifting of the sand dunes from one place to another. Now, interpretation here. The Sahara Desert in North Africa is the world's largest desert. See, these are the sand dunes. Jab sheets ek ke upar ek sand ki chadar dhakti jati hai, to it forms sand dunes like this. Fine? Interpretation. An oasis is an area in the desert where underground water comes to the surface and because of which some greenery is seen around it. Ab oasis kya hai? Oasis ek wo jagah hoti hai desert mein jahan jo niche ka pani hota hai, underground water jo hota hai wo surface pe aa jata hai jis karan uske aas paas thodi si greenery dikhai deti hai. The climate and vegetation. The climate in deserts is extremely very hot and dry throughout the year. Pure saal yahan jo climate hota hai desert ka jo climate hota hai wo bahut garm hota hai aur dry bhi hota hai. In summer the days are hot and nights are cool. Garmiyon mein kya hota hai, din jo hai wo bahut garm hote hain aur raat thandi hoti hai. In winter the days are warm and the nights are very cold. Winters mein days thode warm ho jate hain aur jo night hoti hai wo बहुत ठंडी होती है. There is very little rainfall in this region because the Aravali Hills lie in the direction of rain-bearing winds.
जिस तरफ से रेन बेयरिंग विंड्स चलती हैं उस तरफ अरावली खड़ा हुआ है, तो जिस कारण क्या होता है, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टॉप द विंड्स टू कॉज रेन. द वेजिटेशन एट द थार डेजर्ट हैज बेस्ड ऑन इट्स क्लाइमेट. थार डेजर्ट के क्लाइमेट के बेसिस पे यहाँ का वेजिटेशन है. इट हैज स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी श्रब्स एट सम प्लेसेस. कहीं कहीं फैले हुए हैं बुशेस और थॉर्नी श्रब्स. प्लांट्स सच एज प्लम, बबूल, कैक्टस एंड थॉर्नी कीकर आर ऑल्सो फाउंड. सारे थॉर्नी प्लांट्स मिलते हैं यहाँ. दीज प्लांट्स वर ग्रोन बिकॉज दे रिक्वायर लिटिल वाटर एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट रीच द डीप अंडरग्राउंड वाटर. अब ये जो थॉर्नी प्लांट्स हैं ये क्यों ग्रो होते हैं यहाँ पे? क्योंकि इनके बहुत लंबे रूट्स होते हैं, जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो कि बिल्कुल बहुत डीप जाके जहाँ अंडरग्राउंड वाटर होता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं. ऑयसिस आर ऑल्सो फाउंड इन सम प्लेसेस. नाउ सी दिस इज द वेजिटेशन इन थार डेजर्ट. स्कैटर्ड है, देखिए कहीं पेड़ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, कहीं छोटे 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 बुशेज हैं. ओके, one more interpretation. The government has set up our country's largest wheat farm at Suratgarh. Government ne hamari country ka jo largest wheat farm hai wo kahan pe set kiya hai? Suratgarh mein. Now comes the wildlife. Animals such as camels, commonly known as sheep of the desert, blackbucks, chinkaras and great Indian bustards are mostly found in this area, desert area mein. Some of the other animals found in this region are red fox and carousel, a type of wild cat. See, this is camel, black buck, chinkara, great Indian bustard. Fine. Now children, spot inspect. Let's inspect ourselves. अभी देखते हैं हम अभी तक जो पढ़ा है हमने, what we are able to understand, how much we remember. Define desert. A desert, एक desert क्या होता है? Desert is a flat place covered with sand all over. Which is the main occupation of people living in Malwa Plateau? Farming is the main occupation of the people living in the Malwa Plateau. In how many parts did, let us write here, what is the main occupation? Farming. Okay? In how many parts did Narmada River divide the plateau? The Narmada River divided the plateau into two parts. Where is Chota Nagpur Plateau situated? Chota Nagpur Plateau kahan hai? It is situated in the eastern India. Eastern India. Now, which is the longest river in Deccan Plateau? कौन सा है सबसे longest river Deccan Plateau में? Godavari. Fine children? Now, life in the desert. कैसी life होती है desert की? The life in the desert area has been changed due to Indira Gandhi Canal, which is the longest canal of India. Desert के लोगों की life बदल गई है. किस वजह से? ये जो इंदिरा गांधी कैनाल बना है जो कि लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का. इट वॉज अर्लियर नोन एज द राजस्थान कैनाल. पहले उसे राजस्थान कैनाल कहा जाता था. रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सप्लाई वाटर टू दिस कैनाल. और इस कैनाल को वाटर सप्लाई कौन देता है? सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज. द कैनाल प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर एंड सपोर्ट्स इरीगेशन इन द रीजन. और उस एरिया में, उस रीजन में ये कैनाल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाता है और इरीगेशन को भी सपोर्ट करता है. रिवर लूनी इज द ओनली रिवर ऑफ दिस डेजर्ट रीजन. इट इज अ सीजनल रिवर. द क्रॉप्स ग्रोन हेयर इंक्लूड. अब यहाँ डेजर्ट में क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट, मेज, बाले, ज्वार एंड बाजरा. फाइन. इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन द रीजन इंक्लूड. अब इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुई वहाँ पे कौन कौन सी हैं? वुलन टेक्सटाइल, फॉरेस्ट्री, कोल एंड पेट्रोलियम, माइनिंग एंड टूरिज्म. जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एंड जयपुर आर द मेन डेजर्ट सिटीज. ये सब क्या हैं? डेजर्ट सिटीज हैं. रणथंबोर, केलाडो, अर्लियर नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी. भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम अब केलाडो हो गया है.
and Sariska are famous national parks of Rajasthan. Sariska, Kelado and Ranthambore, ye famous national parks hai Rajasthan ke. The Thar Desert is inhabited by Banjaras. The Banjaras are nomads who move on camels from one place to another. जो थार डेजर्ट है वो इनहैबिटेड किससे है? बंजारा से. बंजारास कौन होते हैं? वो नोमैड्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. वो कैमल्स पे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. सी दीज आर द बंजारास ऑफ राजस्थान. फाइन चिल्ड्रन, पीपल इन सिटीज लिव इन हाउसेज मेड ऑफ फ्लैट रूफ्स, स्मॉल विंडोज एंड थिक वॉल्स. सिटीज में जो लोग हैं उनके घर कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ होता है उसका, छोटी छोटी विंडोज होती हैं और मोटे वॉल्स होते हैं. दिस कीप्स देयर हाउसेस कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एट नाइट. सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर. नाउ कैटलॉग सम मीनिंग्स ऑफ फ्यू वर्ड्स. कैटलॉग इज द फर्स्ट इज द डेजर्ट, अ ड्राई रीजन फुल ऑफ सैंड. डेजर्ट क्या है? एक ड्राई रीजन होता है जो कि सैंड से चारों तरफ घिरा हुआ होता है. बंजारास, नोमैड्स आर आल्सो नोन एज बंजारास. सेक्रेड, होली, टू डू विथ रिलीजन. वाटरफॉल, अ स्ट्रीम दैट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट. हाइट से जो पानी की धार जब गिरती है, स्ट्रीम वाटर का गिरता है, दैट इज नोन एज वाटरफॉल. डस्ट स्टॉर्म, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट कैरीज क्लाउड्स ऑफ फाइन डस्ट, soil and sand over a large area. Mineral, a natural substance in earth, for example coal, salt, gold or diamonds. Now a look over to the chapter which we just now read. The southern plateaus lie to the south of the northern plains. The southern plateaus are divided into Central Highlands and Deccan Plateau. The states in the plateau region are rich in minerals and have many well-developed industries. The Thar Desert or the Great Indian Desert stretches in the northwest of the Indian subcontinent, spreading across India and Pakistan. Now children, the estimation corner here. Let's do some exercises here. Choose the correct option, which is one of the highest waterfall in India. India ka sabse uncha waterfall kaun sa hai? Abhi humne dekha tha chapter mein. Huntia Fall, Jogue Fall, Dasam Fall, Kempty Fall. It is the Jogue Fall. It is the second river of the Great Indian Desert. Satluj, Luni, Yamuna, Kasi. It is the Luni River. The government has set up India's largest wheat farm at. गवर्नमेंट ने कहाँ पे सबसे बड़ा वीट फार्म बनाया है या सेटअप किया है? जयपुर, उदयपुर, केरला, सूरतगढ़. इट इज सूरतगढ़. विच रिवर इज रिगार्डेड एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चेनाब. इट्स गोदावरी. फाइन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. So children, here we start with the fill in the blanks. The southern plateaus are dash in shape. Southern plateaus ka shape kaisa hai? Kis shape ke hote hain? Are triangular in shape. Triangular in shape. The rivers of the northern plains are. Kaise hoti hain wo rivers? They are perennial. Perennial and snow fed. Okay. Thar Desert has the Dash Mountains to the east. Kaun sa mountains hai east mein? Thar ke Aravali Mountains. Aravali Mountains to the east. The Dash and the Chota Nagpur Plateau together make the Central Dash. The Bundelkhand. Bundelkhand. And the Chota Nagpur Plateau together make the Central Plateau. Okay? Dash and Dash are two famous national parks of Rajasthan state. Rajasthan state ke do famous national parks kaun se hain? First one is
Ranthambore, Ranthambore and Sariska. Okay. Now, next is state whether the following statements are true or false. The climate in deserts are extremely cold. This is false. Dust storms in deserts can move sand from one place to another. Yes, this is true. Okay. Now next is the rivers of the south are perennial. No, this is false. They are not perennial. Black soil is found in the northern plains. This is also false. The vegetation at the Thar Desert is based on its climate. Yes, this is true. Okay. Now children, let's do some matching here. Deccan Plateau. Deccan Plateau is the largest plateau in India. Godavari. Godavari is the longest river of the Deccan Plateau. So we match it here. Malwa Plateau region experiences a pleasant climate. Chota Nagpur Plateau is rich in minerals. And Thar Desert is covered with sheet of sand. So we match it here. Okay, fine children. Name the following. Dam built on River Mahanadi. River Mahanadi pe kaun sa dam hai jo banaya gaya hai? It is the Hirakud Dam. Hirakud Dam. Another name of the Thar Desert, the Great Indian Desert. Ek aur naam hai na Thar Desert ka? That is the Great Indian Desert. Fine. This region receives very less rainfall. बहुत कम रेनफॉल कहाँ होता है? डेजर्ट में. इट इज डेजर्ट. ओके, अंडरस्टूड? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया है. वी हैव डन सम एक्सरसाइजेस आल्सो. नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू आंसर द क्वेश्चंस हियर. डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू का हमने लोकेशन भी पढ़ा कि कहाँ लोकेटेड है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड उसका एक्सटेंट कितना है. जस्ट गो थ्रू दैट अगेन एंड राइट डाउन द आंसर हियर. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स. डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉर्निंग कैसे होते हैं? देन नाइट्स कैसी होती हैं? एंड इज द रेनफॉल देयर और नॉट? इट हैज़ वेरी लेस रेनफॉल. इट इज सैंड ऑल ओवर. सो उसका क्लाइमेट यू हैव टू डिफाइन हियर. व्हाई इज छोटा नागपुर प्लेट्यू नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? क्यों कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस मिनरल्स का? क्योंकि वहाँ इट इज रिच इन मिनरल्स. हाउ हैज द इंदिरा गांधी कैनाल बेनिफिटेड द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया है वो वहाँ का वाटर जो है वो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाते हैं, करवाता है. और उसके साथ साथ वो वाटर इरीगेशन के भी काम आता है. इट इज यूज इन इरीगेशन टू. So I hope children you will be able to write the question answers very nicely. First of all just go through the chapter again. फिर से पढ़िए इस chapter को अच्छे से and write down the answers here. And thanks for watching. We'll meet soon with a new chapter. Till then be happy and stay blessed. Bye.